हेलो एंड वेलकम दोस्तों डिफाइंड इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज का मुद्दा बड़ा अहम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईओटी के बारे में जब बात होती है तो MQTT ये टर्म आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी, पढ़ने में आएगी, सब जगह आएगी। MQTT आखिर है क्या भाई साहब, उसी को आज समझने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। आपका कम से कम समझ लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो भाई साहब ये आखिर है क्या MQTT? ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली दोस्तों, इट इज अ पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब क्या है ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसके वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे, तब ये टर्म समझ में आ जाएगी कि ये पब्लिश क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब क्या है। समझ में आए? ये सारे जो मामले हैं ये समझ में आ जाएंगे आपको। यहां पे अगर आप एक बेसिक पॉइंट नोट करोगे, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM। कब की बात है ये? 1999 की बात है, जब इसे इस MQTT प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया था IBM ने इन 1999। भैया आगे बढ़े और MQTT के वर्किंग को समझे, इससे पहले एक चीज जानना समझना बेहद ज्यादा जरूरी है, वो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो MQTT के कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से भैया? जो पहला निकल के आता है वो है पब्लिशर। ये पब्लिशर कौन है, इसे पब्लिशर किसे कहते हैं? भैया सिंपल सी बात है, आपके जो सेंसर्स होते हैं वो पब्लिशर हैं। आईओटी में अपन जो सेंसर की बात करते हैं ना, सेंसर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर, वो आपका क्या है भैया? एक पब्लिशर है। वो सेंसर डेटा जनरेट करता है, वो आपका पब्लिशर है, उसे पब्लिश करता है उस डेटा को, सेंसर डेटा को। अगला जो है भैया वो है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्या चीज है फिर? सब्सक्राइबर वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपके उस सेंसर डेटा में इंटरेस्टेड होते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं ताकि उनका जो भैया जो उनका पर्पस है वो फुलफिल हो सके, इसलिए वो उस सेंसर डेटा को मांगते हैं। बराबर है कि नहीं? दे वॉन्ट द सेंसर डेटा, दोज आर द एप्लीकेशन, दोज आर सब्सक्राइबर्स। और भैया मेन हीरो तो अभी लिखना बाकी है, वो है आपका ब्रोकर। ब्रोकर ये आपका सेंट्रल पॉइंट होता है। ये ब्रोकर का सबसे अहम काम होता है भैया कि आपका जो पब्लिशर है और सब्सक्राइबर है उनको कनेक्ट करना। जो भी इंफॉर्मेशन आपका, जो भी सेंसर डेटा पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, उसे रिस्पेक्टिव क्लाइंट तक या फिर कह लो रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर तक पहुंचाना, डिलीवर करना, ये आपके ब्रोकर का काम होता है। एक और चीज वो करता है कि भैया जो भी सेंसर डेटा आता है उसे वो क्लासिफाई करता है इनटू टॉपिक्स। अभी टॉपिक क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग बाद में समझेंगे, व्हेन वी विल कम टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अब भैया बेसिक कंपोनेंट तो समझ में आ गए, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं, कुछ मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। MQTT के भैया मेथड्स कौन कौन से वो भी जान लेते ताकि इसके वर्किंग को समझने में थोड़ी आसानी हो सके हमें। ठीक है, तो भैया जो पहला मेथड आप देखोगे वो है भैया कनेक्ट। कनेक्ट अभी जैसा नाम भैया वैसे ही काम। बराबर, जो आपका क्लाइंट है सर्वर को कनेक्ट होना चाहता है तो इट कैन यूज द मेथड कनेक्ट। अगला जो है वो है डिसकनेक्ट। अब डिसकनेक्ट का मतलब क्या है? अपोजिट ऑफ कनेक्ट। काम हो गया है, आदान प्रदान डेटा का सब कुछ हो गया है, नाउ वी आर डन, अभी क्या जरूरत है, चलो अभी डिस्कनेक्ट करते हैं। ये इसलिए आप डिस्कनेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आते हैं अपन पब्लिश के ऊपर। पब्लिश मतलब क्या कि जो भी अभी डेटा है उसे पब्लिश करना है, एक तरीके से देना है। ओके, तो वहां पे आप क्या करते हो? पब्लिश यूज करते हो। जैसे कि अभी पब्लिशर मैंने बताया ना, इनिशियली आपका डेटा होगा तो उसे क्या करना है, डेटा पब्लिश करना है, तो वो यहां पे पब्लिश मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन, पब्लिश हो गया, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ये भी एक मेथड होता है। सब्सक्राइब मतलब क्या कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो एप्लीकेशन है जो कि इंटरेस्टेड है इन अ पर्टिकुलर सेंसर डेटा, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो इंटरेस्टेड है, तो वो क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा उस टॉपिक को। वो बोलेगा भैया इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी मैसेज होगा वो मुझ तक पहुंचा देना, मैंने उसे सब्सक्राइब कर रखा है बाय यूजिंग द सब्सक्राइब मेथड। आई होप यू गॉट दिस सिंपल पॉइंट। तो ये भैया आपके मेथड्स हो गए। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये जो अभी तक हमारे पास नॉलेज है इस बेसिस पे MQTT के वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स कंसीडर मेरे पास यहां पे एक टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है। अब यहां से क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर क्या कर रहा है, सेंसर डेटा जनरेट करेगा, मतलब बताएगा भैया कितना तापमान है, कितना टेम्परेचर है, वो बताता है। जैसे मान लो, समझ लो, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस, ये है भैया टेम्परेचर। अब ये जो सेंसर डेटा है वो पब्लिश करता है, क्या करता है यहां पे,
पब्लिश करता है, कहां गया, पब्लिश करता है वो, ये डेटा पब्लिश करता है। अब ये कहां जाता है, पब्लिश कहां कर रहा है, तो वो करता है आपका जो सेंट्रल कम्युनिकेशन पॉइंट है। मैंने क्या बोला, सेंट्रल कम्युनिकेशन पॉइंट जो है, जो कि आपका ब्रोकर है। ये कौन है आपका ब्रोकर, होता है बीच में, MQTT ब्रोकर कहते हैं उसे। और यहां पे आपको एक मैसेज क्यू देखने को मिल जाएगा, यहां एक मैसेज क्यू देखने को मिल जाएगा आपको, जहां पे भैया मैसेजेस आपके जो है यहां जा रहे हैं। उसके बाद ऑन द अदर एंड वहां क्या होगा, वहां पे आपके ऐसे कई सारे जो है क्लाइंट्स होंगे। लेट्स से यहां पे कंसीडर करते 3 क्लाइंट्स हैं जो कि इस रिस्पेक्टिव सेंसर डेटा में इंटरेस्टेड है, दे वांट दिस सेंसर डेटा। तो यहां पे जो आपका क्लाइंट C1 है, फिर क्लाइंट C2 है और क्लाइंट C3 है, बराबर है। लेकिन यहां पे ये जो आपका डेटा है, सेंसर डेटा, ये उस तक पहुंचाना है, इससे पहले C1 को, C2 को, C3 को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो वो क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। व्हाट दे डू, दे सब्सक्राइब करते हैं वो। और कहां जा रही भैया वो रिक्वेस्ट सब्सक्राइब की, आपके ब्रोकर की तरफ जा रही। मतलब फिर ब्रोकर को समझ में आ जाता है कि कौन सा क्लाइंट किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, उस हिसाब से मैं जो है अपना जो सेंसर डेटा है वो उस हिसाब से ही मैं क्लाइंट्स तक पहुंचाऊं।